20 लाख मिल जाएगा, मगर वापिस हम पूरा 25 लेगा और 6 महीने के अंदर वापिस भी करना है। लाला भाई 20 का 25 तो ज्यादा हो जाएगा। पैसा ये ले रहे ना, वापिस भी यही करेगा, तो इसको बात करने दो ना। अगर लाला 5 लाख का इजाफा कुछ ज्यादा नहीं है? यार तुम तो मुर्गी जैसा आदमी है, फिर ये सूद पर कर्ज क्यों ले रहे? मेरे को तो लगता है कि तुम ये भी वापस नहीं कर सकेगा। बेहतर ये है कि तुम जिस मुसीबत में से गुजर रहे ना, उसी से गुजरो। ठीक है, जाओ घर को जाओ। लाला मेरा तो घर बिकने पर आ रहा है, मुझे ये पैसा लाजमी चाहिए। घर अपना है? जी जी अपना है। अपने से मतलब के तुम्हारा नाम पर है? नहीं, वो वाले साहब के नाम पर है। तो आजकल का रेट में क्या वैल्यू है उसका? लाला होगा कुछ 1-20 तक का। वालिद साहब जिंदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तुम ऐसा करो कि घर का सारा कागजात ओरिजिनल मेरे को दे दो और पैसा ले लो। लाला घर वालों को बगैर बताए ले रहा है, इसीलिए तो आपके पास आया है। अच्छा ये बताओ कि वापस कैसे करेगा? लाला मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं 2-2 नौकरियां करूंगा, मैं लौटा दूंगा पैसा। यार तुम तो मुर्गी नहीं, बिल्कुल चूजा है चूजा। मेरे ख्याल में तुम घर जाओ। शाबाश, आराम का जरूरत है तेरे को। लाला लाला मेरी बात तो सुने, लाला मेरी बात तो सुन ले। मैं नाकाम हो गया, एक ही आसरा था, वो भी आसरा आखिर हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो मां नंदना से पैसे भी मांग सकती। अब्बा अब्बा अबे सुन ले यार, मां बेटे में खुफिया मीटिंग चल रही है, मोमानी से पैसे मांगने के बजाय कोई और जुगाड़ करने की कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। मेरी छोड़ो, तुम बाप बेटों की उनके सामने क्या इज्जत रह जाए? मैं तो नहीं ये हरगिज नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। अबे ओ मालूम था मुझे मेरी बात की कोई अहमियत है नहीं, मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी होगी तूने। अरे ओ कूड़ मगज औरत, इसीलिए तो सारे पैसे मिट्टी किए हैं, किधर से लाएगा भी एक ही रात में इतना पैसा? अजीब निराली औरत है भाई तू, अपना घर बचाने की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुझे अगर फिक्र है तो बस इस बात की कि तेरी माँ के सामने, तेरी भाभी के सामने तेरी इज्जत का जनाजा ना निकले। अब आप अम्मी को कुछ ना कहे। अबे क्यों ना कहूं भाई, है गला घोड़ो ऊपर से मेरा। तुम लोग मेरे पास सुन, कल के कल अपनी माँ के घर जा, अब जाके पैसे मांग। नहीं नहीं मैं शकी, मैं नहीं उनसे पैसे मांगने जाऊंगी, वैसे भी उनके पास तो इतने पैसे होंगे ही नहीं। ये बात अच्छी थोड़ी है कि हम तकाजा करें, हमारी जरूरत भी पूरी ना हो, और हम तकाजा करके हमारी बात भी छोटे हो जाएंगे। मैं नहीं। एक बात सुन, फिर ऐसा कर, जाके उनको बोल के अपना मकान बेचे और किसी छोटे घर में चली जाए। उनकी लड़कियों को ब्याह कर इधर ही आना है ना, पीछे कौन रह जाएगा? तेरी माँ और तेरी वो बेवा भाभी। अबे 2 कमरों के मकान में आराम से रह लेंगी वो। तो फिर ऐसा करते हैं, मेरे पास सुन, अपने दोनों लड़कों को लेके उनके घर पहुंच जाते हैं, उनका घर दामाद बना देते हैं, और बेगैरत बन के इसके साथ हम भी रह लेंगे। अब मुझे कुछ वक्त देना है, मैं कुछ करता हूं। रमशा
इधर आ। जी अब्बू। देख रहा है, बहन है तेरी, इसकी शादी करनी है, फिर तुम दो मनहूसों की बीवियां भी यहां लेकर आनी है हमने। वो जो 20 लाख का कर्जा हमारे सर पे चढ़ाया है ना, वो भी उतारना है, इस घर को बिकने से भी बचाना है, इन सारे तूफानी मसलों से लड़ रहा हूं मैं, फिर चीखूं नहीं तो क्या करूं बता। मैं जाऊंगी अम्मा और नुदरत की तरफ, देखती हूँ कि वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं। शकल दिखाए इसको अपनी। अब्बा क्या है? मम्मी आपको हामी नहीं भरनी चाहिए थी। तो बेटा मैं क्या करती? अम्मी आप अब्बा से कहें कि अपनी परेशानियों में ना मुझे काउंट करना छोड़ दे, मैं मर नहीं जाऊंगी अगर मेरी शादी नहीं होगी तो। मेरा बच्चा ऐसे नहीं कहते। अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखे। बेटा जिस दिन से तुमने ऑफिस जाना शुरू किया है ना, नाश्ता आधा अधूरा छोड़कर भाग जाती हो, तो थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, टाइम मैनेज करना सीखो मेरी जान। ठीक है अम्मी, आप आज घर पे क्या कर रही हैं? आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं वो इवेंट था इसलिए छुट्टी है मेरी। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे दो, तुम्हारे और सलमान के दरमियान सब ठीक है ना? पहले भी कई दफा मैंने तुमसे पूछना चाहा लेकिन जवाब देने की बजाय तुम मौसम बदल देती हो। सुबह सुबह अम्मी क्या बातें कर रही है, मुझे देर हो रही है। शाम में पूछती हूँ तो कहती हो कि थक कर आई हूँ। आप मुझसे क्या सुनना चाह रही हैं? सलमान उस दिन के बाद से घर नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि उसने तुमसे कॉल पर भी बात की हो या हुई है। देखो बेटा मैं और तुम्हारी दादी बहुत परेशान हैं, ये अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि तुम हमें कुछ ना बताओ और हमें सलमान से पूछना पड़े। आयरा बेटा मैं जानती हूँ सलमान बहुत मुश्किल है लेकिन बेटा ये रिश्ता तुम्हारे अब्बू ने तय किया था और फिर सलमान और सलान तुम्हारी फूफो के बेटे हैं और तुम्हारी फूफो कितना प्यार करती हैं तुमसे और इससे भी बढ़कर तुम्हारी बहन का रिश्ता उस घर से मंसूब है। इसलिए मेरी जान तुम अपने और सलमान की लड़ाई को दूर मत दो प्लीज। मेरी और उसकी सुलह हो गई थी, आप बेफिक्र हो जाएं, आइंदा कभी लड़ाई नहीं होगी। चलो मेरी जान आओ आराम से बैठकर नाश्ता करो।